हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्रीमी पालक सूप बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए ये एक छोटा बंच। हमने पालक लिया है जिसे अच्छे से वॉश करके बारीक कट करके लिया है। ये 1.5 कप हमने मिल्क लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज हमने बारीक कट करके लिया है, 2-3 लहसुन की कलियाँ हमने बारीक कट करके ली है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, 1 टेबलस्पून हमने वाइट बटर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है। ये फ्रेश क्रीम है जो हमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए लगेगा। तो आइए क्रीमी पालक सूप बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम ऑन करके हमने कढ़ाई रख ली है। इसमें हम 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, वाइट बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को और बटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे। बेसिकली हमें प्याज को पिंक नहीं करना है, सिर्फ उसका कच्चापन निकालना है। और इसके साथ ही हम लहसुन भी डालेंगे। गैस की फ्लेम हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। व्हाइट बटर में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 मिनट के लिए हमने प्याज और लहसुन को बटर में भून लिया है। अभी हम इसमें ये जो 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है वो ऐड करेंगे और इसे मैदे के साथ पे भून लेंगे। मैदे को भी हमें सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम पे रखी है। ये हमने मैदे को भी अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसमें ये पालक ऐड करेंगे। पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है वो डाल लेते हैं और नमक भी हमने स्वाद अनुसार लिया है वो भी ऐड कर लेते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम ये दूध थोड़ा थोड़ा डाल के उसको हिलाएंगे। मैदे के लम्स नहीं पड़ने चाहिए, ऐसा हम इसको बार बार हिलाते रहेंगे। और बचा हुआ मिल्क भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे उबलने देंगे। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर को उबाल आ चुका है। अभी हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसे मिक्सी में से पीसेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्सी के जार में डाल लिया है मिक्सचर को, अभी हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अभी हम इसे वापस से कढ़ाई में डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी हम थोड़ी सी एडजस्ट करने के लिए ये मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालते हैं।
ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसे हम उबाल आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूप का कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेक्सचर भी समझ में आता है कि बहुत ही क्रीमी हो गया है। ये सूप बहुत ही अच्छा बनता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसे सिर्फ एक उबाल आने तक हम बॉईल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सूप को उबाल आ चुका है। अब हम इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हम इसे फ्रेश क्रीम से गार्निश करेंगे। ये हमारा क्रीमी पालक सूप बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।